हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम भी ठीक है। आज का जो ब्लॉग है वो मैंने जो है अभी लगभग बज रहा होगा 6:30, तब से मैंने स्टार्ट किया है। और आज जो है मॉर्निंग के नाश्ते में मतलब बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। ऐसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, पर आज बहुत लेट शुरू किया मैंने। मॉर्निंग की चाय पानी, मॉर्निंग का दूध गर्म, सारा कुछ मेरा हो चुका है और अभी मेरा जो है नाश्ता भी रेडी हो गया है और सोनम जो है वो नाश्ता देने भी लगी है, क्योंकि आज जो है जल्दी जाना था स्कूल भैया को, मेरे जेठ जी को। तो बस इसी वजह से मैं जो है सुबह वीडियो की शुरुआत जल्दी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे सवेरे में जल्दी से खाना रेडी करना था। तो सब्जी बन गई है और साथ में प्लेन रोटी भी बन गई है, यही था सुबह के नाश्ते में। और यहाँ मेरी नाना, छोटी नाना जो कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था आई हुई हैं, तो वो ना सुबह सुबह बेबी संभाल रही है। सवेरे सवेरे बेबी बहुत परेशान करते हैं जब काम का समय हो तो। पहले मेरी यही ननद मेरी बहुत हेल्प करा करती थी काम में, लेकिन अब छोटे बेबी हैं इनके पास तो इनको टाइम ही नहीं मिल पाता है, अपने बेबी में ही बिजी रहती हैं ये। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं वॉक कर, ये सवेरे ही चल जाते हैं वॉक पर और धूप होने से पहले ही वॉक से वापस भी आ जाते हैं। तो ये आ चुके हैं और आजकल हमारे यहाँ थोड़ा सा मानसून आ गया है तो मौसम ठंडा हो गया है। सुबह में थोड़ा सा जैसे खुले में बाहर जाओ ना खेतों की तरफ तो ठंड सी लगती है, तो ये जैकेट वगैरह डाल के गए थे। तो मैं बस आने के बाद मैंने इनको दे दिया है दूध, क्योंकि आने के बाद ये दूध 1 गिलास लेते हैं, फिर उसके 20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद ये नाश्ता करते हैं। तो मम्मी वही देखने आई थी कि दूध लिया या नहीं लिया इन्होंने। और मेरी सासू माँ का भी नहाना धोना हो गया है, क्योंकि इनको अभी फैमिली फंक्शन में कहीं जाना है, मतलब फैमिली में ही किसी के यहाँ पूजा है तो उसमें जाना है। तो इन्होंने जल्दी नहा कर और अपना जो है घर में पूजा पाठ अपना कर लिया है जो ये करती हैं। तो देखिए मैं इनको आज, मैं मॉर्निंग में अच्छे से चाय नहीं पी पाई थी, मेरी चाय अभी ऐसी ही रखी हुई थी, ब्रश किया था तो थोड़ी सी ले ली थी मैंने, क्योंकि बहुत जल्दी थी खाने की आज सवेरे में, नाश्ते की जल्दबाजी थी। अब पहले बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी और उसके बाद अपने पूरे काम करूँगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के साढ़े आठ से वीडियो स्टार्ट है, वीडियो स्टार्ट तो 6:30 बजे से है। तो चलिए पी लेती हूँ चाय और उसके बाद अभी सारा काम पड़ा हुआ है मेरा, फिर फटाफट से करेंगे अपने सारे काम। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज सुबह इतनी जल्दी थी ना कि मैं सुबह ढंग से चाय भी नहीं पी पाई थी, तो मैं अपनी चाय अब लेकर बैठी हूँ तसल्ली से। फिर मैंने चाय बनाई और चाय पी, क्योंकि चाय से मुझे मिलती है एनर्जी, काम करने होते हैं बहुत ज़्यादा। जब तक पूजा पाठ नहीं करती हूँ तब तक खाना पीना नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैं चाय पी लेती हूँ। तो सवेरे फिर मैंने सारे काम, जब मॉर्निंग का खाना पीना हो गया, सासू माँ भी नाश्ता वगैरह कर चली गई अपने पूजा पाठ में, उनको फैमिली में जाना था कहीं, तो और मैं अब लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफ़ाई में, जो कि अभी सवेरे में आज नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने रूम से ही शुरुआत करती हूँ, सारे रूम की डस्टिंग, सेटिंग, बेड शीट वगैरह सब चेंज। और हाँ फ्रेंड्स, ये बेड शीट ना मैंने मीशो से मंगाई है, 1 हफ्ते हो गए इसको मुझे यूज करते हुए, और बेबी पिंक कलर की बेड शीट है, मात्र 200 रुपये की, बहुत ही प्यारी बेड शीट है। मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई ना, मैंने क्लिप तो ली थी पर पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई। तो मीशो से बहुत अच्छी अच्छी बेड शीट इस टाइम चल रही है और बहुत कम प्राइस में। मेरे पास यहाँ पर ससुराल में बेड शीट नहीं है, गर्मियों वाली, सर्दियों वाली तो है, गर्मियों वाली नहीं है, और तो इसलिए फिर मैंने एक मंगवाई थी और बहुत अच्छी है, इसे मैं 1 हफ्ते से यूज़ भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा कपड़ा इसका। तो मैंने अपने पूरे रूम की सेटिंग करके, डस्टिंग करके, झाड़ू वगैरह कर दिया, रूम पूरा क्लीन कर दिया, और उसके बाद मैंने पूरे गैलरी की देखिए झाड़ू लगा दी। सुबह से लेकर शाम तक में मेरे घर में नहीं भी तो 4 बार झाड़ू लग जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि रोड पर घर है और ये मेन दरवाज़ा बच्चे खोलते ही रहते हैं तो धूल मिट्टी बहुत आती है। यहाँ पर पूरे झाड़ू लगा दी, साथ में बेदू खेल रही थी मिट्टी, तो मिट्टी से उसका कपड़े जो है नीचे वाला पैंट गंदा हो गया था, तो वो खुलवा कर गई है मिट्टी खेलने, और बेदू बहुत ज़्यादा मिट्टी खेलती है यहाँ पर, वो फिर भाग गई मिट्टी खेलने। और यहाँ मेरा झाड़ू हो गया है कंप्लीट, अब चलिए चलते हैं पीछे। और यहाँ पर बेबी के हाथ पैर आपको दिख रहे होंगे पिछले रूम में, तो वो अपना खेल रहा है, उनकी मम्मा उनकी मसाज वगैरह कर देती हैं तो आराम से खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर उनकी मम्मा जो है अभी नहा रही हैं, सवेरे सवेरे जैसे बच्चे खेल रहा हो या बेबी मतलब कोई ले लिया हो तो वो सुबह सुबह ही नहा लेती हैं, तो वो नहा रही हैं अपना। और मैं आ गई हूँ अपने पीछे के डेली की तरह अपने काम निपटाने,
पूरा अंदर का मतलब पूरे घर का झाड़ू पोछा खाना पीना सब डिटेल कंप्लीट करके और उसके बाद अपने रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ जाती हूँ पीछे। तो पीछे आने के बाद आज थे मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन। हम महिलाओं को, हम लेडीज़ों को मुझे समझ में नहीं आता ये बर्तनों से कब निजात मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि कभी भी निजात मिलने वाली है, इतने भर के बर्तन होते हैं ना, मैं तो परेशान होती हूँ। ये देखिए मेरी ननद छोटे वाली, वो नहा ली, नहाई और नहा धो के अपने कपड़े वगैरह भी उन्होंने धो लिए। यहाँ मैंने जो है लगभग मुझे आज आधा घंटा से ज़्यादा समय लगा था बर्तन वॉश करने में, इतने ज़्यादा बर्तन थे आज मेरे पास। तो सारे बर्तन धोकर और मैंने रख दिए और उसके बाद मैंने जो है अपना ये पीछे का आंगन जो है धो लिया। एक दिन आ गई थी फ्रेंड्स शाम के समय में बारिश, और शाम के समय में बारिश आई थी तो पीछे से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी पानी होता है। मैं कभी दिखाऊंगी बारिश आएगी तो आपको, ये सारी ईंटों में पानी भर जाता है, कीचड़ पानी पूरा भर जाता है। तो इसको धोने में मुझे आज मेहनत थोड़ी लगी थी क्योंकि बारिश अगले दिन आई थी तो पानी लग गया था और उसकी वजह से बहुत कीचड़ हो गया था। यहाँ पर मैं अच्छे से पानी फेंक फेंक कर धो ली हूँ अपने आंगन को। आंगन को धोने के बाद मेरा लास्ट काम हो जाता है नहाना धोना, वो मेरा हो गया है। और अभी लगभग बज रहे होंगे 10 के आसपास का समय हो रहा होगा। मैं हेयर वॉश करके नहा ली हूँ और नहाकर कपड़े भी धो ली हूँ और अब चल के पूजा करूँगी घर के मंदिर में। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं अपनी तुलसी के पास। और मेरे तुलसी का क्यारा दिखे कितना प्यारा है ना। और ये तुलसी मैंने जब इनकी मैंने सेवा स्टार्ट करी थी तभी इसमें 1-2 पत्तियाँ थी और ये अभी इस वक्त इतनी सुंदर हो रखी है ना, बहुत ही हरी भरी और खूब भरकर फूल और पत्तियाँ इनमें हो रखी है। तो ऐसा माना जाता है कि जब घर की तुलसी हरी भरी और फूले फले तो आपके जीवन के दुख दूर होते हैं और खुशियां घर में आती हैं, लक्ष्मी का वास होता है। तो मेरी तुलसी इस वक्त बहुत प्यारी हो रखी है। तुलसी माँ की पूजा कर ली थी और उसके बाद खाना पीना, फिर कपड़े सुखाना, दोपहर में फिर कोई क्लिप नहीं मैंने बनाई। मैं अभी आप सभी के साथ मिल रही हूँ, सीधे शाम के 5 बज रहे हैं अभी। शाम की जो झाड़ू बर्तन होता है वो मेरा हो चुका है और आज मैं अपने जो है कुर्ते प्रेस कर रही हूँ, कॉटन के कुर्ते हैं गर्मियों वाले। और ये ना बहुत ज़्यादा सिकुड़ से गए थे, इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सोचा इनको प्रेस कर लूँ। ज़्यादा ही इकट्ठे भी ना फिर अच्छे नहीं लगते पहनो तो मैंने कहा चलो फाइनली आज मैं ये काम अपना निपटा ही लेती हूँ। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स मेरा अपना कोई काम ना एक दिन क्या सोचा हुआ होता ही नहीं, एक दिन में 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन बीत जाते हैं। तो ये कुर्ते ना मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं प्रेस करूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं भूल भी जाती थी। आज फाइनली मैंने टाइम निकाल लिया और मैंने कहा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सिकुड़ गए थे, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर थोड़े से और भी 2 कपड़े थे और ये 2 कुर्ते मैंने देखे प्रेस कर लिए। और इसके बाद फिर शाम की रूटीन में उतना मेरी हड़बड़ी नहीं होती है, उतना काम नहीं होता है। मॉर्निंग की रूटीन सभी के यहाँ होता होगा ऐसा कि सुबह सुबह की रूटीन सबके यहाँ ही जल्दबाजी वाली भी होती है, प्लस में सुबह में ज़्यादा ही काम होते हैं, शाम को उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर भी मैं पहले कपड़े प्रेस कर लूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। इसके बाद फिर मैं 5:30 बजते नहा भी लेती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2 टाइम नहाती हूँ फिर भी बहुत गर्मी है इस बार तो ना ऐसा मतलब। और बारिश भी हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो गई है, 1-2 बार बारिश आ भी गई है, लेकिन फिर भी जब बारिश हो गई है ना तब से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप सबके यहाँ मौसम कैसा है, बारिश किस किस के यहाँ हो रही है, किसके यहाँ खूब गर्मी पड़ रही है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े प्रेस हो गए। जो न्यू आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। उसके बाद मैंने देर ना करते हुए नहा लिया था, नहा कर मैंने पहन ली है देखिए साड़ी, क्योंकि मुझे जाना होता है शाम को। प्रतिदिन मेरा नियम है, मेरे ससुराल में मेरा ये नियम बना है कि मैं प्रतिदिन शाम के समय पर मंदिर जाती हूँ शंकर भगवान के। तो शाम को नहा ली हूँ, नहा कर मैंने साड़ी पहन ली क्योंकि हम घर से बाहर जब निकलते हैं ससुराल में तो साड़ी पहनते हैं। तो साड़ी पहन कर मैं रेडी हो गई हूँ, मैं घर में पूजा करूँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, फिर आकर खाना बनाऊँगी। तो मिलते हैं इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ।